नमस्कार, मैं विष्णु नारायण। बहुत दिनों से आप सभी से बातचीत नहीं हुई, चुनावी सरगर्मियां आईं चली गईं। इस बीच एक फिल्म का ट्रेलर आया, आर्टिकल 15। काफ़ी बातचीत हो रही है उसको लेकर के, सोशल मीडिया पे खासा गहमा गहमी है उस चीज़ को लेकर के। जब वो ट्रेलर आया, जब ट्रेलर मैंने पहली बार देखा, तो मुझे कुमार अम्बुज कवि हैं, उनकी कविता तुम्हारी जाति क्या है याद आ गई। तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को भी उस कविता से रूबरू कराया जाए, वो कविता आप सभी के लिए पढ़ी जाए। बहुत दिनों से मैंने कोई कविता भी नहीं पढ़ी है, और साथ ही साथ एक और कविता जयंती याद आ गई। वो पहले भी हमने उस पर एक आर्टिकल लिखा था, राजेश कमल हैं, कवि राजेश कमल पटना के सर्कल में खासे सक्रिय हैं। और इस बीच जब मैंने दिल्ली छोड़ी और पटना पहुंचा, तो उनका खासा स्नेह मिला। उनकी भी कविता आपके लिए पढ़ेंगे। पहले कुमार अम्बुज की कविता पढ़ देते हैं। कुमार अम्बुज को जो ना जानते हों, उनके लिए जो विष्णु खरे ने लिखा है, मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए जस की तस पढ़ देता हूँ, जो उन्होंने उनकी किताब के लिए बुज भूमिका लिखी है। विष्णु खरे लिखते हैं, कुमार अम्बुज हिंदी भाषी भारत के एक विपन्नतम किंतु गर्वीले अंचल बुंदेलखंड के मंगवार जैसे नाम वाले गांव से आते हैं। यह बात अलग है कि उन्होंने लोक या अंचल को लेकर वह काव काव नहीं की जो इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई आदि में बस गए कतिपय आव्रजक हुडुक लुल्लू, काग भुशुंडी और कुदृष्टि जयंत कौवे मचाए हुए हैं। अम्बुज ने अपनी ग्रामीण जड़ों का कविता में भी न्यूनतम, अपरिहार्य, प्रदर्शनहीन इस्तेमाल किया है। तो ये उनके बारे में लिखते हैं विष्णु खरे। बहरहाल मैं वो कविता सुनाता हूँ आपको, जिसको लेकर के मैं आप सभी को वो कविता सुनाना चाहता हूँ, जो आर्टिकल 15 का ट्रेलर देखते हुए मेरे जहन में आई। तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है कुमार अम्बुज? तुम किस किस के हाथ का खाना खा सकते हो? तुम्हारी जाति क्या है कुमार अम्बुज? तुम किस किस के हाथ का खाना खा सकते हो और पी सकते हो किसके हाथ का पानी? चुनाव में देते हो किस समुदाय को वोट? ऑफिस में किस जाति से पुकारते हैं लोग तुम्हें? जन्मपत्री में लिखा है कौन सा गोत्र? और कहाँ ब्याही जाती हैं तुम्हारे घर की बहन बेटियाँ? बताओ, बताओ अपने धर्म और वंशावली के बारे में। किस मस्जिद, किस मंदिर, किस गुरुद्वारे में, किस चर्च में करते हो तुम प्रार्थनाएं? तुम्हारी नहीं तो अपने पिता, अपने बच्चों की जाति बताओ। तुम्हारी नहीं तो अपने पिता, अपने बच्चों की जाति बताओ। बताओ कुमार अम्बुज, इस बार दंगों में रहोगे किस तरफ? बताओ कुमार अम्बुज, इस बार दंगों में रहोगे किस तरफ और मारे जाओगे किसके हाथों? तो ये कविता थी तुम्हारी जाति क्या है। और दूसरी कविता, जिसका शीर्षक तो जयंती है मगर वो जाति पर ही केंद्रित है, कवि राजेश कमल की, तो वो भी मैं आप सभी के लिए पढ़े देता हूं कि कायस्थ, कायस्थ राजेंद्र बाबू की, राजपूत महाराणा प्रताप की, भूमिहार दिनकर की, ब्राह्मण चाणक्य की मनाते हैं जयंती। कायस्थ राजेंद्र बाबू की, राजपूत महाराणा प्रताप की, भूमिहार दिनकर की, ब्राह्मण चाणक्य की मनाते हैं जयंती वर्षों तक। वर्षों तक भगत सिंह को राजपूत समझ, वर्षों तक भगत सिंह को राजपूत समझ एक राजनेता मनाता रहा उनकी जयंती। इल्म हुआ तो वह आजकल बाबू वीर कुंवर सिंह की मनाता है जयंती। वर्षों तक भगत सिंह को राजपूत समझ एक राजनेता मनाता रहा उनकी जयंती। इल्म हुआ तो वह आजकल बाबू वीर कुंवर सिंह की मनाता है जयंती। शुक्र है कि जातियां बची हुई हैं, इसलिए बची हुई है जयंती। तो ये दो कविताएं थीं जो आर्टिकल 15 का ट्रेलर देखते हुए मेरे जहन में आई, सोचा आप सभी से भी साझा की जाएं वो कविताएं फिर से। कविताएं मनुष्य को मनुष्यतर बनाती हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम एक कविताओं की सीरीज़ भी आप तक पहुंचाएं, इस बीच करें, काफ़ी कुछ हो नहीं पा रहा है, कोशिश करेंगे
आप सभी का स्नेह जारी रहे। बहुत धन्यवाद।